हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। चलिए आज आपको दिखाते हैं कि घर में हम पानी की बचत कौन से तरीके से कर सकते हैं। जहाँ जहाँ भी आपके घर में पानी की टंकी है, टैब है, उसको किस तरीके से हम इस्तेमाल करें कि डेली रूज में जो हम वाटर इस्तेमाल करते हैं वो कम से कम इस्तेमाल हो और आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में हम पानी की बचत को कर सकें। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं क्या तरीका हम अपना सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, बहुत से लोग करते भी होंगे इसको। चलिए आपको दिखाते हैं। मेरे पास एक मग है जिसमें ml लिखा हुआ है, 900 ml का ये मग है। तो इसको वाटर मेजरमेंट हम अकॉर्डिंगली कर सकते हैं कि कितना पानी हम यूज़ करते हैं और कितना पानी हम वेस्ट कर देते हैं। ओके, चलिए तो ये मग हमें बता देगा हमारा वाटर वेस्टेज कितना हो रहा है और वाकई में हमको पानी की कितनी ज़रूरत है जिसमें हमारे हाथ धुल सकते हैं। हम अपने बच्चों को भी ये वीडियो दिखा सकते हैं क्योंकि जनरली जब वो ब्रश करते हैं तो कंटिन्यूस टैप खुला रहता है। बच्चे मासूम होते हैं, उन्हें हम दिखाएंगे, समझाएंगे तो वो ज़रूर समझ जाएंगे और वाटर सेविंग में ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। सिर्फ आपको उनको गाइड करने की ज़रूरत है। तो ये मैंने अपना हैंड वॉश लिया एज़ यूजुअल। आप जानते ही हैं कि मैं मार्केट का हैंड वॉश नहीं यूज़ करती हूँ, सिर्फ अपना बनाया हुआ बायो एंजाइम का ये हैंड वॉश यूज़ करती हूँ। और इसमें झाग इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने इसमें रीठा की मात्रा बहुत कम डाली है। आप काउंट भी कर सकते हैं कि हैंड वॉश करने में ऑलमोस्ट सिर्फ 7 सेकेंड लगे हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगे, और कितना पानी बाप रे बर्बाद हो चुका है। 900 ml का ये मग है, आधे से ज़्यादा ये भरा हुआ है और कितना पानी तो वॉश बेसिन में है, ऑलमोस्ट 1 लीटर से ऊपर का पानी, 1 से 1.5 लीटर का पानी हमने पर हैंड वॉश जो है बर्बाद कर दिया है। इसका तो बहुत आसान सोल्यूशन है, टंकी कम खोलो, आपका जो है पानी कम यूज़ होएगा। लेकिन हम बच्चों को कैसे समझाएंगे? बच्चे नहीं समझते हैं उसमें कम खोलना है ज़्यादा खोलना है और फिर वो बेचारे डांट खाते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है हमारे लिए भी और बच्चों के लिए भी? जितने भी हमारे घर में वाटर सप्लाई हैं आप जानते होंगे कि उनको हम रेगुलेट कर सकते हैं। उनके जो सप्लाई रहती है, जहाँ से सप्लाई आती है वाटर की, उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने उसको कम कर दिया है उसकी सप्लाई को, वाटर का ऑलमोस्ट मैंने उसको 25% पे कर दिया है। अब देखिए इसमें पानी कितना कम आ रहा है। तो अब बच्चे इसको कितना भी खोलेंगे एक लिमिट तक, या बड़े भी खोलेंगे तो एक लिमिट तक वाटर आएगा, बहुत एक्सट्रीम लेवल तक वाटर नहीं आएगा। मैं वापस सेम प्रोसेस आपको करके दिखाती हूँ सेम मग में कि कितना वाटर अब हम यूज़ करेंगे या वेस्ट करेंगे एक हैंड वॉश करने में। तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में ये तरीका काम करता है या नहीं करता है। पहले मुझे हाथ धोने में 7 सेकेंड्स लगे थे, जिसमें भी मैंने बहुत फास्टली हैंड वॉश किया था और 1 से 1.5 लीटर पानी मैंने जो है यूज़ कर लिया था। अभी मैंने 9 सेकेंड में इसको जो है हैंड वॉश किए हैं, जबकि उससे 2 सेकेंड मैंने ज़्यादा समय लिया। उसके बाद भी वाटर मैंने मैक्सिमम 500 ml तक जो है इसको यूज़ किया है। आप समझ सकते हैं कि हमने पर हैंड वॉश 1 लीटर वाटर का सेविंग कर लिया, जो कितना कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी नेचर के लिए। लीजिए अगर आपके घर में 4 मेंबर्स हैं और हर मेंबर दिन में 10 बार हैंड वॉश करता है तो 40 लीटर वाटर आपने सिर्फ हैंड वॉश में सेव कर लिया। और ऐसे तो न जाने कितना वाटर हम यूज़ करते हैं, कितना वाटर हम वेस्ट कर देते हैं। आपके घर में ज़रूर ऐसे कहीं ना कहीं तरीके होंगे जिससे आप बाथरूम में, किचन में, वॉश बेसिन में अपने वाटर को सेव कर सकते हैं। बच्चों को, बड़ों को, घर के मेम्बर्स को आप सिखा सकते हैं कि हमको, आप ज़रूरी नहीं है कि उसको बहुत स्लो कर दें वाटर फ्लो को, लेकिन 50% तक आप उसको एटलीस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद भी आप कितना सारा वाटर सेविंग कर सकते हैं और पर्यावरण को आप बचा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसमें जो भी सिखाया गया है उसको ज़रूर फॉलो करिए और हमारी नेचर में जो पानी की बर्बादी हो रही है प्लीज़ उसको सेव करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।